इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला के कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला का गुज़श्ता रोज़ टेस्ट किया गया था। इस बारे में तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनुल्ला का जो है गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से मुतालिक जो है टेस्ट लिया गया था और सैंपल लिए गए थे। वो भी उनके उनके सेक्रेटरी जो थे असद खोकर, उनका जो है कोरोना वायरस जो था वो टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में जो है ये स्टेप उठाया गया था और आज उसकी जो है रिपोर्ट आ गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो है जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका नेगेटिव जो है ये कोरोना वायरस का जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया है और जो है ये टेस्ट गुज़िश्ता रोज़ लिया गया था। इसके साथ साथ जो है जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, उनके स्टाफ में से शामिल 6 अफराद के कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव रिपोर्ट जो हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं, जबकि इन जो स्टाफ मेंबरान हैं उनमें उनका रीडर इमरान खान, जबकि जो है एस वो पी एस तनवीर और लुकमान सईद और आसिफ मुगल और कासिद जो हैं वो जाबिर, उनका भी जो है ये कोरोना वायरस का जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया है और ये 6 अफराद का गुज़िश्ता रोज़ जो है ये टेस्ट किया गया था क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी थे असद खोकर, उनका पॉजिटिव आने की सूरत में ये तमाम तर इकदाम उठाए गए थे। और ये एक आज अच्छी खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनुल्ला, उनका जो कोरोना वायरस का जो गुज़िश्ता रोज़ सैंपल लिया गया था टेस्ट लिया गया के लिए वो नेगेटिव आ गया है और इस वक्त जो है अब तमाम तर जो जो एक टेंशन की जो सूरत हाल थी वो मामूल के मुताबिक आने में अब आसानी होगी। ठीक है, शुक्रिया हसीब, आपने तफसीलन अपडेट किया।